अस्सलाम वालेकुम माय होम शेफ्स, दिस इज फरा। वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और फैमिली फ्रेंड के साथ मेरे चैनल को शेयर करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें। आज भी सिखाऊंगी आप लोगों को पटाखा चिकन बनाना। ये देखें, इसके दरम्यान से इसके लिए होल चिकन ले लें। चिकन को सेंटर से इस तरह काट लें, उसको टर्न करेंगे और हाथ से इस तरह से दबा दें इसको, ठीक है। चला अब इसके यहाँ से अच्छी तरह से कट लगा दें। इसके लिए मसाले तैयार करेंगे, मसाले को आपको दिखाते हैं। 3 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस यानी कि चिली सॉस, 1/2 कप चिली फ्लेक्स, कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, वेनेगर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लावर नहीं है, इसके जगह आप मैदा ले लें। चिकन में अच्छी तरह से मसाज करेंगे। सबके अंदर अंदर डालें। चलिए इस चिकन को आप कवर कर देंगे, कवर करके फ्रिज में रख देंगे और कल मिलते हैं आप लोगों से। कल आप लोगों को चिकन को पका कर दिखाते हैं। कल तक के लिए मुझे इजाजत है। तेल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। आप चाहे तो चिकन को गोल्डन करने के बाद इसको आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं या आप स्टीमर में भी स्टीम दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसी में फ्राई करूंगी और आपको दिखाती हूँ। चिकन को दोनों हाथ से इसके अंदर आप छोड़ दें। परेशानी होगी, इसके जो मसाले हैं वो थोड़े बहुत बाहर आ जाएंगे। आपको जब चिकन सर्व करते हैं वो उसके साथ ही मसाले ऊपर से सर्व करते हैं। ये घबराने की बात नहीं, जितने मसाले निकलना है वो निकल जाएंगे। तो तमाम मसालों को एक जगह करेंगे और ऊपर से चिकन के ऊपर स्प्रिंकल करके फिर हम इसे सर्व करते हैं। नीचे की साइड 10 मिनट कुक करेंगे, उसके बाद इसे फ्लिप करेंगे। चलो अभी इसे फ्लिप करेंगे। केयरफुली करें, दूसरे साइड से भी 10 मिनट फ्राई करेंगे। फ्लिप करने के बाद 10 मिनट और कुक करेंगे इसे। चलिए 10 मिनट हो गया, अब इसको इस फ्लेम में पकाएंगे। फ्लेम मीडियम हाई पे कर दें, एक साइड से अच्छी तरह से कुक हो जाए, उसके बाद फ्लिप करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से 10 मिनट के बाद। ये देखिए, अब इसको लेट हटा देंगे और इसको बिना लेट के ही कुक करेंगे। टोटल चिकन को आप 30 मिनट पकाएं। अगर 35 मिनट भी करते हैं तो कोई मसला नहीं है। सेम आपको वही टेस्ट आएगा जो आप नथिया गली में आपने इंजॉय किया इस चिकन को। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी किचन में। देखिए, हम दोबारा से इसे टर्न करेंगे।
थोड़ा सा गोल्डन हो जाए फिर इसे निकालेंगे। फ्लेम को हाई कर दीजिए 1 से 2 मिनट के लिए। अगर आपके चिकन टूट जाए तो परेशान होने की बात नहीं, आप 4 हिस्से में भी बना सकते हैं। और ये तमाम मसाले इसके निकाल दें और इसके साथ सर्व करें। तो चलिए मसाले भी मैं निकालती हूँ, आपको दिखाती हूँ इन मसालों को निकाल दें चिकन के साथ, इसे सर्व करें। ये देखिए इस तरह से चिकन रख दें। साथ ही चटनियाँ रखेंगे, खट्टी मीठी चटनी रख दें, केचप रख दें, अगर आप चाहते हैं मायो के डिप बनाना तो भी बना कर रख सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो चले सर्व करते हैं। पटाखा चिकन तैयार है। तो अगर आप मेथे के लिए गए, अगर ये चिकन आपने ट्राई किए तो अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को, और मुझे फिर कॉमेंट्स करके बताइएगा। अब मुझे इजाज़त दें, अब नेक्स्ट कोई अच्छी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे सेफ, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।